हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सरिता जोशी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं दिन से कर रही हूँ और अभी टाइम हो रखा है, 12 बजने वाला है। तो मैं अभी खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ और आज मैं बना रही हूँ टमाटर की झोली। आज हमारे घर में कीर्तन भी है क्योंकि हम लोग हरिद्वार से आए थे ना, तो मम्मी ने सोचा कि पहले कीर्तन करवा लेते हैं और उसी दिन सबको प्रसाद भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो मतलब सब जगह पहुँच भी जाएगा, इसलिए आज हमारा कीर्तन है। तो अभी मैं जल्दी थोड़ा खाना बना रही हूँ। अभी मैं कढ़ाई रख दी, मैंने टमाटर की झोली बना रही हूँ और चावल रख दिए कुकर में। अभी बस 2 मिनट में खाना बन जाएगा, उसके बाद फिर प्रसाद भी बनाना है सबके लिए और सब लोग कीर्तन आएंगे, फिर कीर्तन में आएंगे और फिर कीर्तन की वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, हे भगवान मैं क्या बोल रही हूँ। तो दोस्तों, आप लोग अगर मेरी वीडियो को आज पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नई नई वीडियो बनाऊंगी और रोज़ एक एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, ऐसा मेरा मैं मतलब कोशिश करूंगी। ठीक है, मिलते हैं। मैंने टमाटर को कद्दूकस कर दिया, कल मेरी दीदी ने भी टमाटर की छोली बनाई थी, आज मैं भी बना रही हूँ। और यहाँ पे ना टमाटर को मैंने कद्दूकस कर दिया है, वैसे हम पीस भी सकते हैं बट मैं कद्दूकस करके ही बनाया मैंने, क्योंकि थोड़ा सा मोटा मोटा ही ठीक लगता है और वैसे भी मिक्सी में कौन इतना खाली। फिर एक बार तो टमाटर की झोली में मेथी का तड़का अच्छा होता है तो मैं मेथी का तड़का लगा रही हूँ। टमाटर डाल दिए सारे, अब मैं इसके ऊपर ना नमक डाल दूंगी क्योंकि नमक डालने से टमाटर जल्दी गलते हैं। जितना भी हमको नमक चाहिए, स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया मैंने। अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी हल्दी, देखना कितने सिंपल मसाले से साथ बना रही हूँ। थोड़ा सा ये मसाला डाल दूंगी, धनिया पाउडर है इतना ही बस। ठीक है, अब इसको मिक्स कर देते हैं। टमाटर पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम क्या मतलब जब ये तेल छोड़ना स्टार्ट कर देगा ना टमाटर, तो इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा। फिर हम इसमें थोड़ा सा बेसन या फिर आटा घोल के डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच। देखो कितना अच्छा कलर लग रहा है इसका। दोस्तों, टमाटर की झोली पहाड़ों में खूब खाई जाती है। कभी आपके पास मट्ठा या फिर कुछ खट्टा ना हो तो उसको खट्टा करने के लिए टमाटर का प्रयोग करते हैं, और कहीं कहीं पर नींबू की झोली भी बनाते हैं, हम लोग भी बनाते हैं। मतलब पहाड़ों में नॉर्मली हर जगह बनती होगी, जब मट्ठा ना हो तो नींबू या टमाटर की झोली खाई जाती है, तो हम लोग भी आज टमाटर की झोली बना रहे हैं। मैंने आटा भी थोड़ा सा एक कटोरा घोल के रख लिया है, 1-2 चम्मच घोला इसमें, और मिर्ची भी काट के रख दी है, तो हम इसको भी डाल देंगे, जो ये टमाटर का घोल है डाल देंगे टमाटर की झोली में। तो टमाटर भी अब ठीक होने लग गया है और इसमें तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है साइड से, आप लोग देख रहे हो। तो अब हम इसमें जो आटा घोल के रखा था वो मिला सकते हैं, तो मैं मिला देती हूँ। तो दोस्तों, अभी कीर्तन होने वाले हैं तो अभी हम लोग यहाँ पे प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं और प्रसाद रख रहे हैं सबके लिए। बना दिए हैं इसमें, रखे हैं हमने वहाँ की जो गंगा प्रसादी होती है वो, और बिंदी, और थोड़ा सा ये सिंदूर रखा है सबके लिए, बस ये है। और बाद में जो केला है वो दे देंगे, यहाँ पर मम्मी भी लगी हुई है काम में। ठीक है, प्रसाद रखते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो ये है हमारे प्रसाद का सब सामान, और यहाँ पे हमने पुड़िया भी बना दी है और ये केले हम वैसे ही बांट देंगे। तो अभी कीर्तन जब होंगे फिर मैं दिखाती हूँ। तो 1 बजने वाले हैं और ये भी आ गए हैं बाजार से, इनका कुछ काम था तो बाजार से ये भी आ गए हैं। तो पहले हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद फिर टमाटर की झोली भी बन के एकदम रेडी हो गई है और खीरा भी मैंने काट दिया यहाँ पर। और अभी कीर्तन मंडली मतलब कि कीर्तन करने के लिए मेहमानों के आने की स्टार्टिंग हो गई है, तो हमारे साथ आई है शीतल। हेलो गाइस, सबसे पहले शीतल ही आते कभी भी कीर्तन वगैरह हो तो फिर स्टार्ट होता है सब कुछ, तो शीतल आ गई है। अब मैं भी थोड़ा सा दूसरा सूट पहनती हूँ, उसके बाद जय बोलेगी, जय भोलेनाथ, और उसके बाद फिर हम कीर्तन शुरू करेंगे। ठीक है, फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। कुछ कहना चाहोगे आप? जय भोले की कहना चाहेंगे, हर हर महादेव। और लगा लिया हमने, और अभी शीतल आई हुई है, अभी मम्मी यहाँ पर बैठी हुई है। अभी जब ढोलक बजेगा तो ढोलक की आवाज़ को सुन के सभी लोग आना स्टार्ट होंगे, और अभी 3:30 बजा हुआ है, तो चलिए हम लोग अपने कीर्तन शुरू करते हैं गणेश जी का नाम लेके, है ना।
बजाओ बजाओ। Thank you.
Hey,
देखो हमारा डॉगी भी आ गया है और तब से इसको आ जा बाहर आ जा आज इसको अंदर नहीं आने देते ना हम क्योंकि कीर्तन हो रहे थे तो अभी आ गया दोबारा है। तो कीर्तन भजन हो गए हैं और सब लोग कहाँ को अच्छा देख लेते थे सभी लोग प्रसाद लेके अपने अपने घर को चले गए हैं और बहुत अच्छे कीर्तन हुए और बस गंगा मैया का आशीर्वाद मनसा मैया का आशीर्वाद सब पर बना रहे सबकी मनोकामना को माता रानी पूर्ण करें यही प्रार्थना करते हैं और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।